जनार्दन राय नागर ने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं के द्वारा स्थापित राजस्थान विद्यापीठ, जिसे अब उनके नाम से जाना जाता है, कि उपकुलपति से हम ये जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की आगामी योजनाएं क्या हैं और 2011 में उन्होंने जो ख्वाब सजोए थे उसमें से कितने पूरे कर पाए। 2009 जून में ज्वाइन किया और कुछ ऐसा प्लान बनाया था कि 2010 में जो स्थितियां हैं उसमें सभी कुछ रिव्यू करके और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करेंगे जॉइंटली। 2010 में तैयारी करके 2011 में मेरे तीन बड़े प्रोग्राम मुझे करने थे। एक तो मूर्ति का अनावरण करना था जो हमारे पूर्व कुलपति महोदय ने लगा रखी थी, एक नेक का इंस्पेक्शन करवाना था और एक हमको कन्वोकेशन करना था। ये सारा तीनों काम करने तय किए थे, काफ़ी तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्वालिटी एश्योरेंस सेल के आधार पर रिव्यू वगैरह भी कराने शुरू कर दिए थे, तीन रिपोर्ट्स भी बनवा के मैंने भेज दी। लेकिन इन तीन में से एक काम हम मूर्ति के अनावरण का ही करवा सके और कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी कि दोनों दूसरे काम जो है वो आगे बढ़ाने पड़े। और 2011 में हमने डिस्टेंस एजुकेशन 2009 में बंद कर दिया था, इसलिए बंद किया कि हम उसको रीस्ट्रक्चराइज करें आधुनिक तकनीक के आधार पे और थोड़े सिलेबस भी रिन्यू करने की आवश्यकता थी। तो उनको हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स को बुलाकर सिलेबस रिन्यू करवाए हैं और अभी हम हाई टेक उस पर डिस्टेंस को लाना चाह रहे हैं। डिस्टेंस का इंस्पेक्शन भी होना तय था, फिर पता नहीं क्यों कमेटी नहीं आई और अब वापस सुन रहे हैं कि ये इंस्पेक्शन होने वाला है, तो हम उस हिसाब से सारी तैयारी करें। सबसे बड़ा फोकस पॉइंट जो 2012 में मेरा कवर होगा, जिसके लिए हमने तैयारी कर ली है, हमारे सदन राजस्थान में 10 सेंटर है जनजाति क्षेत्र में राजस्थान विद्यापीठ के एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के, उन सेंटर्स के थ्रू और दूसरे एनजीओस के साथ जुड़कर हम पूरे इस जनजाति क्षेत्र में डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च स्तर की शिक्षा जो है वो प्रचारित प्रसारित करने का उद्देश्य लेकर आगे बढ़े हैं। उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, जो डेवलपमेंट करना है, उसका कार्यवाही चालू कर दी गई है। फिर 2012 में 11 में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हमने देखा कि हम कहाँ कमजोर पड़े। राजस्थान विद्यापीठ का जो मिशन था कि सर्वहारा वर्ग को और जनजाति क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देना, उसको लेकर हमने जनजाति क्षेत्र में हमारे सारे व्याख्याता वगैरह गए और काफ़ी मोटिवेट करके छात्रों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए मोटिवेट किया है। उसमें विशेष रूप से श्रमजीवी कॉलेज में हमारी इस बार संख्या 500-700 बच्चे एकदम बढ़े हैं और गांव के बच्चों ने जो भी अपनी दूसरी संस्थाओं से 1/3 फीस है हमारे यहाँ की और बच्चों को हम मोटिवेट करके पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से होम्योपैथी कॉलेज में भी जहाँ बच्चे बहुत कम थे, इस बार बच्चों को मोटिवेट करके एडमिशन काफ़ी अच्छे किए गए हैं। अब क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के हिसाब से फैकल्टी एनरिचमेंट प्रोग्राम, डिफरेंट फैकल्टीज़ को सेमिनार्स वगैरह में भेजना, ट्रेनिंग में भेजना, एक्सपोजर देना और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समय समय पर हम इकट्ठे होते हैं और संस्था के लिए निष्ठा के साथ समाज के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जो नए वर्कर्स जुड़े हैं उनको जनवाय के समय की फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी का बहुत ध्यान नहीं है, तो बार बार हम लोग मिलते हैं हर फंक्शन में और इस बात पर संकल्पबद्ध होते हैं कि हम उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और उससे 1-1.5 साल में काफ़ी फर्क आया है। हर विभाग में एडमिशन्स बढ़े हैं और क्लासेस रेगुलर हो रही हैं और बच्चों की उपस्थिति पे भी बहुत फर्क पड़ा है। एग्जामिनेशन सिस्टम को भी हमने चेंज किया है, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के लिए क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी चेंज किया और अभी और भी हम प्रयास में हैं कि इसको और इफेक्टिव बनाएंगे।
वेबसाइट्स को मॉडर्नाइज किया गया है और इस साल से ऑनलाइन एडमिशन का प्रयास भी शुरू करने जा रहे हैं। कन्वोकेशन बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं और बहुत ही जल्दी हम डिस्टेंस एजुकेशन के एडमिशन्स नए सिरे से लेकर, और सदर्न राजस्थान को विशेष रूप से हमने आपकी इस बार फोकस किया है कि 2012 में हम ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ के साथ जुड़कर जो लोग गरीबी के कारण या किसी कारण से उच्च शिक्षा में नहीं आ पाए लेकिन लेना चाहते हैं उनको मोटिवेट करेंगे। इधर हमने सभी हमारे 10 सेंटर को स्काइप से जोड़कर छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्लासेस शुरू कर दिए। ई मेडिसिन का हमारा प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स ऑनलाइन सजेस्ट करेंगे सिम्टम्स उनके, और वहाँ पर हमारा जो व्यवस्थापक होगा वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से गरीब लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ वितरित करेगा। जो हमारी मोबाइल वैन है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो 3-4 मोबाइल वैन और बढ़ा के जो क्लिनिक्स हैं गांव में उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए। अभी हम बेदला और नाई और मावली क्षेत्र में गाड़ियाँ भेजते हैं, फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा और आदिवासी जनक्षण पई तक गाड़ियाँ जाती हैं और भी इसको बढ़ाएंगे। ऑनलाइन हमने ई लिटरेसी कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम हमारे 10 सेंटर पे शुरू कर दिया और उससे काफ़ी बच्चों ने, गांव के बच्चों ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया है और काफ़ी रुचि ले रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और आगे एडवांस कोर्सेज भी कराइए। हमारे यहाँ से महिलाओं को सिलाई का कार्य सिखा कर आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयास किया जा रहा है और अभी हमने भारत सरकार के मिशन के अनुरूप लीगल लिटरेसी का कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण हेतु उनको जो भी उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कानून बने हुए हैं, विधि सम्मत जो उनको सुरक्षा प्राप्त है उसके प्रति उनको सचेत किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है और उससे महिलाओं में काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। हमारा एजुकेशन फैकल्टी में कम्युनिटी वर्क के लिए हमने 7 दिन का कैंप गांव में जाता है और जितने भी रिसेंट इश्यूज़ हैं जैसे अभी मानव अधिकार के बारे में या कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में, और भी पुराने जो प्रथाएं अभी भी चल रही हैं दहेज की और इसके बारे में नुक्कड़ नाटक वगैरह बहुत करना शुरू कर दिया है। सर्वे करवाए जा रहे हैं कहाँ अभी भी अगर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के होने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं गए तो क्यों नहीं गए, तो उनके लिए हमारे सेंटर्स पर हम निःशुल्क बच्चों को स्कूल के लिए मेंटली तैयार करने का काम भी कर रहे हैं और इसके संबंध में सलूम्बर में बहुत अच्छा प्रयास हमारा जारी है। माइनॉरिटीज़ में भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे मिशन को लेके 2011